नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। तो खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पीतल नगरी शिव विहार में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह का आयोजन यादव समाज के लोगों के द्वारा किया गया। वहीं यादव समाज के लोगों के पदाधिकारियों ने नए लोगों को यादव समूह में जोड़ा, साथ ही नए लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी। मुरादाबाद के पीतल नगरी शिव विहार में आयोजित हुए स्वागत समारोह और यादव समाज की एक मीटिंग में पदाधिकारियों ने नए पदों पर यादव समाज से जुड़े लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी है। दरअसल पीतल नगरी शिव विहार में आयोजित अखिल भारतीय यादव समाज की मीटिंग में कई पदाधिकारी और समाज के लोग पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाज की उन्नति के बारे में विचार किया और समाज के युवाओं को नई जिम्मेदारी देने पर बल दिया। मीटिंग में पहुंचे अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूप सिंह यादव ने कुलदीप किशोर यादव को नया जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि ये युवा हैं और समाज के लिए बेहतर कार्य करने में सक्षम है। कभी कोई और उस चयन में आज हमारे भाई कुलदीप किशोर जी, जो कि नया जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इनके ऊपर प्रदेश संगठन ने जिम्मेदारी डाली है कि आप अपने जिले की कार्यकारिणी को, जिले को यादव महासभा से जोड़ें। कुलदीप किशोर यादव आज संगठन की तरफ से मुझे जिला अध्यक्ष का शासन प्रदेश शासन द्वारा जो हमारा संगठन है उसका मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया है, उस उपलक्ष्य में स्वागत समारोह रखा गया। यादव समाज को सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी एकजुट करना, मतलब संगठित करना। उसके बाद में अगर किसी यादव भाई पर, यादव समाज के व्यक्ति की कोई अधिकारी नहीं सुनना है या दूसरी तरह की बातें की जा रही है उसके बारे में कोई सुन के नहीं दे रहा। मेरे पास पूरे जिला मुरादाबाद की एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है, यानी तो उन्होंने जो बनाने का काम तो ऊपर वालों का ही है, तो नए जिला अध्यक्ष जो बने हैं इन्होंने इन्वाइट किया था, उसमें इनके स्वागत समारोह में हम लोग आए। और वहीं मुरादाबाद में राशन की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद के कांग्रेस के जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाकिर अली रायनी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को 2 सूत्री ज्ञापन दिए गए, जिनमें कहा गया कि राशन की कालाबाजारी चरम सीमा पर है, आवंटन किसी और व्यक्ति के नाम है और उसका संचालन कोई और व्यक्ति कर रहा है जो कि नियम के विरुद्ध है। एक व्यक्ति 4 दुकान चला रहा है। इससे पहले भी जनहित में कई शिकायत की गई है, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जब से एआरओ ने जिला पूर्ति विभाग का चार्ज संभाला है, उन्होंने अपने दफ्तर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि एआरओ ये भी कहते हैं कि राशन कार्ड जारी कराना है तो मेरे आदमी बाहर बैठे हैं, उनसे मिल लो, जबकि विभाग में 5 संविदाकर्मी हैं और कम से कम 20 आदमी फर्जी रूप से बैठा रखे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मांग की है कि गरीबों का राशन बढ़ाया जाए और जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड घर घर जाकर एक कैंप लगाकर बनाया जाए ताकि जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला अध्यक्ष ये 2 सूत्रीय ज्ञापन जो है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जा रहा है श्रीमान जिला अधिकारी द्वारा। हाँ, जनता की राशन की घटतौली और दफ्तर में जो है तो दलालों का जवामड़ा लगा हुआ है और आवंटन किसी और के व्यक्ति के नाम है, उसका संचालन कोई और कर रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। इसको लेके पहले भी हमने जनहित में शिकायतें की गई हैं, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। जिसके गरीबों का राशन जो है तो कम दिया जा रहा है, इसको लेके गरीब जनता काफ़ी परेशान है और गरीब जो है तो बेचारा इसका राशन का ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। इससे जो है तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं राशन प्रणाली बढ़ाई जाए और दलालों का जमावड़ा खत्म किया जाए और जब से एआरओ ने चार्ज संभाला इनने अपने दफ्तर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। एआरओ हम नाम नहीं, हमारी कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। और वहीं उत्तर प्रदेश में खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला मंत्री
थान सिंह ने कहा कि किसानों और खेत मजदूर आर्थिक बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वक्ताओं ने उपस्थित जनसमुदाय से प्रदेश और केंद्र की सरकारों के खिलाफ लामबंद होने का आह्वान किया। साथ ही अपना 10 सूत्री ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे निम्न मांगों पर सरकार ध्यान दे। मांगों को लेकर आपके द्वारा प्रदर्शन किया, देखिए इससे पहले भी हम इन मांगों को कह चुके हैं किसान यूनियन की तरफ से और खेत मजदूर यूनियन की तरफ से भी, लेकिन सरकार के कानों पर भी जूं नहीं रेंग रही है। ये ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है गांव में मनरेगा जिसको कहा जाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा और काम अगर मिल गया तो पैसा नहीं मिलता। कोरोना काल के बिजली के बिल सरकार ने वादा किए थे हम माफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो सब किसानों गांव के गरीबों से बेचारों से वो ले भी बढ़ के आ रही है तमाम सारी, हर आदमी परेशान है। तो हमारी मांग यही कि 200 दिन का काम मनरेगा में काम दो, 600 रुपये मजदूरी आप दीजिए और जैसा गांव में ग्रामीण रोजगार योजना है वैसे ही शहरी मजदूरों के लिए भी एक रोजगार योजना सुनिश्चित करिए। 10 किलो राशन प्रति यूनिट आप फ्री दीजिए, जो कोरोना पीरियड के बिजली के बिल है वो आप माफ़ करें और जो इनकम टैक्स से बाहर के लोग हैं जो परिवार, उनको 7,500 रुपये जो है पर मंथ आप आर्थिक मदद दीजिए ताकि वो उस कोरोना पीरियड के जो आपदा से उबर सके थोड़ा सा। ये तमाम सारी मांगे हैं जो सीधे सीधे गरीबों और मजदूरों तो किसानों से संबंधित करती हैं। और वहीं मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के एक धान क्रय केंद्र है, सरकारी धान खरीद केंद्र है, जहां पर एक जो सरकारी धान खरीद केंद्र के गोदाम प्रभारी है उन पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया गया है। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव दलपतपुर पुल के पास सरकारी धान खरीद केंद्र बनाया गया है, जिस पर गोदाम प्रभारी चोरी की लाइट जला रहे हैं, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने गोदाम प्रभारी को मौके पर ही पकड़ लिया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली की केबिन की वीडियो भी बना ली और कहा कि उच्च अधिकारियों से कहकर उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मौके पर कुछ किसान इकट्ठा हो गए और कहा कि धान केंद्र पर हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग 5.6 दिन लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। और वहीं फरुखाबाद में जो सीएमओ है उन्होंने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। फरुखाबाद में सीएमओ ने महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएमओ वंदना सिंह ने राम मनोहर लोहिया महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर सहित कई स्वास्थ्य कर्मचारी अनुपस्थित रहे। सीएमओ के टीकाकरण के बारे में सवाल पूछने पर प्रभारी एएनएम कई जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद सीएमओ ने एएनएम को फटकार लगाते हुए रजिस्टर को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। तो यहाँ पे जो कमियां पाई गई, एक तो टीकाकरण में रजिस्टर उनके अच्छे से मेंटेन नहीं, कॉलम बनाने चाहिए उसमें सुधार के लिए, अच्छा करने के लिए बताया गया। और क्या कमियां कराई हैं सामने? और यहाँ पे लोगों के उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति लगाने की आदत नहीं है, लेट लतीफी हो रही है। हाँ। सुधर नहीं पा रही है, प्रशासन सख्ती बरत रहा है, शासन और प्रशासन सुधार के लिए चेतावनी दी क्या? और वहीं उत्तराखंड में 17 नवंबर से खुलेंगे सरकारी आवासीय स्कूल। उत्तराखंड में 17 नवंबर से 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए सरकारी आवासीय स्कूल खुलेंगे। शासन की ओर से स्कूल खोले जाने को लेकर एसओपी जारी की गई है। स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा महानिदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के तहत स्कूल खोलने से पहले समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं की अधिकतम 72 घंटे पहले कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी या शिक्षा मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवगत कराएंगे। इसके अलावा जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट या उप जिला अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से स्कूल का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी छात्रावास में छात्रों के शारीरिक दूरी, आवासीय विद्यालय में भोजन बनाने एवं वितरण आदि संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा पर टिप्पणी के बाद भाजपा में अब सियासी घमासान मच चुका है। रायपुर विस क्षेत्र की उपेक्षा से नाराज चल रहे विधायक उमेश शर्मा काऊ अब पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर भाजपा नेत्री की एक कथित टिप्पणी से आहत हो गए हैं।
उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को पत्र लिखकर इससे अनुशासनहीनता बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया में विधायक उमेश शर्मा काऊ के लेटर पैड पर लिखा एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाजपा नेत्री और प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य वक्ता इंदु बाला पर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। और वहीं बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि जो कोरोना जांच के नाम पे उत्पीड़न किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। मुंबई से देहरादून पहुंचे अभिनेता हेमंत पांडे का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी को साझा किया। एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में हेमंत ने उत्तराखंड घूमने आ रहे यात्रियों को कोरोना जांच के नाम पर हो रही फॉर्म भरने संबंधी परेशानी का जिक्र किया है। हेमंत ने कहा है कि यदि पर्यटकों को इस तरह से टॉर्चर किया जाएगा तो पर्यटन कारोबार कैसे चलेगा। हेमंत पांडे के इस वीडियो को सोशल मीडिया में हाथों हाथ लिया गया है। लोग जमकर सरकार को कोस रहे हैं। हेमंत पांडे ने अपने फेसबुक अकाउंट से वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, कृपया उत्तराखंड आने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। उत्तराखंड सरकार से निवेदन है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि प्लीज इस तरह का टॉर्चर जो यहाँ पे हो रहा है, पूरे देश के लोग यहाँ देहरादून आ रहे हैं, उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के नाम पे इतना टॉर्चर किया जा रहा है यात्रियों को, इतना परेशान किया जा रहा है ये फॉर्म भरने के नाम पे, जबकि कुछ पूरे देश जो ये मास्क जो आप बोल रहे हैं त्रिवेंद्र रावत जी, इसके अंदर जोंक घुस जाती है। मैं अभी पहाड़ में होके आया हूँ, तो ऐसा टॉर्चर मत करिए, इधर परेशान मत करिए, इतने लोगों को परेशानी हो रही है। पुलिस वाले खुद गाली दे रहे हैं कि दिन भर मास्क लगा के हमको मास्क चेक करना पड़ रहा करके, प्लीज़ ऐसा अत्याचार मत करिए। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमें जीने दो, हमारी ज़िंदगी जीने दो। और वहीं खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में आ चुके हैं। रुड़की के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कहीं बार बालाओं के संग ठुमके तो कहीं हथियारों के प्रदर्शन करने से, जिसकी वजह से पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा चुकी है। तो वहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक के बाद एक विवादित मामले करते रहते हैं। इस बार भी विधायक साहब बड़ी चर्चा में हैं। विधायक का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के साथ बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बातचीत में विधायक राजकीय महाविद्यालय लक्सर में स्नातक कोर कक्षाओं तथा स्नातक में संस्कृत व गृह विज्ञान विषय शुरू कराने के श्रेय और सोशल मीडिया पर प्रतिकूल टिप्पणी पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। विधायक जी का कहना है कि लक्सर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना उन्हीं के प्रयासों से हुई है। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग के पुराने जर्जर भवन में संचालित हो रहे डिग्री कॉलेज के नए भवन के लिए भूरनी मार्ग पर उन्होंने ही भूमि की व्यवस्था कराई। उन्हीं के प्रयासों से महाविद्यालय के स्नातकोत्तर कक्षाओं और स्नातक में संस्कृत व गृह विज्ञान विषय शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभावीप कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रेय देने के बजाय सोशल मीडिया पर प्रतिकूल टिप्पणी की। जो कार्य उन्होंने किए हैं उनका श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। बातचीत के दौरान खासे नाराज विधायक की जुबान भी फिसली, जिस पर अभावीप कार्यकर्ता नाराज हैं। सोशल मीडिया पर भी कार्यकर्ता इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस और खबरें उत्तराखंड। धन्यवाद।